नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा सिंह राजावत और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी इस रूप की आराधना करने से साधक बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। ये भी माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ काल रात्रि का स्वरूप उनके नाम की तरह ही घने अंधकार सा काला है। कालरात्रि माँ के 3 नेत्र हैं जो कि ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। माँ के इस रूप की सवारी गर्दभ यानी गधा है। उनका ऊपर उठा दाहिना हाथ वर मुद्रा में है। इस तरफ के नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा है। बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग है। चलिए अब हम आपको बताते हैं वो पूजा विधि जिसके द्वारा माँ कालरात्रि को आप शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही उन्हें भोग में क्या चढ़ाएं ये भी बताएंगे। देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। इनकी आराधना करने से पहले देवी काली की प्रतिमा के आसपास गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। फिर आप रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल माता की तस्वीर के सामने अर्पित करें। अंत में आप पूरे परिवार के साथ कपूर या दीपक से माता की आरती करें। इसके बाद दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माँ के जयकारे भी लगाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हवन करें और माँ काल रात्रि को गुड़ से बनाए मालपुए का भी भोग जरूर लगाएं। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से माँ के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप सुबह शाम आरती करने के साथ दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप माँ काल रात्रि की रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ये भी बहुत फलदायी होता है। इसके बाद भूल चूक के लिए माँ से माफी भी मांग लें।